मानगो में बगीचा उजाड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। मामला पहुंचा मानगो थाना। मानगो थाना क्षेत्र के पाड्डी में स्कूल के पास बगीचा उजाड़ने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए। सुनिए मानगो थाना पहुंचे दोनों पक्ष के लोग। बगीचा को लेकर झमेला हुआ है। 7 दिन पहले एक मीटिंग रखा गया था। वो मीटिंग में हम लोग का जो डिसाइड हुआ, मीटिंग में डिसाइड हुआ कि बगीचा को वहाँ से हटा दिया जाए। और बगीचा इसलिए हटा दिया जाए कि हम लोग का जो शिव पूजा में जो भोगता लोग लाया है, वो लोग मंदिर का देखभाल रात भर करते हैं, वहीं से छोड़ा देखते हैं। वो लोग देख नहीं पाता, बड़ा बड़ा पेड़ सब हो गया है। और ये जो बगीचा में ताला मार के रखा जाता है, पर्सनली मतलब किसी का बगीचा हो गया, वो सार्वजनिक नहीं हुआ, और ताला मार के रखता है, हम लोग को फूल मिलेगा नहीं बगीचा का। इसलिए पब्लिक से हुआ कि इसको बगीचा को हटा दिया जाए। जब बगीचा को हटाने के लिए जब बोला गया, तो उन लोगों को जो लगाया था, उन लोगों को बोले 7 दिन टाइम दे दिया कि बगीचा हटा लीजिए। नहीं हटाया, हटाया भी नहीं। तो इसके बाद मेरा भाई टिंटू मातो, उसको फोन करके मनोज भगत गाली दे रहा, गोली मार देंगे, कौन उठाएगा, कौन क्या करेगा, पूरा ऐसा गाली दिया। जब ऐसा गाली दिया तो भाई आया और आके फिर बोला कि भाई एक काम कीजिए, पब्लिक को बुलाइए, हम मेरा तो पर्सनल बगीचा नहीं है और मैदान नहीं है, शिव पूजा मंदिर नहीं है, हमको गाली क्यों देगा, पर्सनल गोली क्यों मारेगा, पब्लिक को बुला दीजिए। और हम शिव पूजा हरि कीर्तन हम करवाते हैं, पर पूरा सार्वजनिक सबका सहयोग से हम करवाते हैं। तो सोचिए, जब जैसे बोला तब मीटिंग बुला दिए, उसमें मेरा क्या गलती है। मामला पाड्डी का, पाड्डी स्कूल मैदान शिव मंदिर का। जब हम मीटिंग बुला दिए, वहाँ पर लेडीज जेंट्स सब आ गया, ताकि वो मैदान विवादित है, पहले से हम लोग किसी से केस चल रहा है, और वहाँ पर ईटा वाले गिट्टी गिरा दिया और पब्लिक को बोलता नहीं है, तो हम लोग को लगता कि कब्जा हो रहा। ढोल पीट कर गाँव वाले मीटिंग बुलाए और व्हाट्सएप में भी मैसेज भेज करके मीटिंग बुलाया गया। मीटिंग बुला कर बोला गया कि आप मीटिंग होगा, अभी मीटिंग चल ही रहा था, और उसमें से बीच से उठा करके और फूल गांच वहाँ लगा हुआ है मंदिर के बगल में, उसको फाड़ने का अभी हम लोग वहाँ बैठे हुए थे ही मीटिंग में, तब तक वहाँ मारपीट सब चालू करवा दिए। जब मीटिंग नहीं बुलाना था, जब उखाड़ना ही था तो मीटिंग नहीं बुलाना था। अगर बुलाना था तो मीटिंग का कम से कम राय गांव वाला को जान लेना चाहिए था। ये साजिश के तहत मीटिंग बुला करके पहले से प्री प्लान्ड वे में प्लानिंग था कि मीटिंग चलते हुए हो हल्ला करते हुए उसको पेड़ को उखाड़ना और जो उसका विरोध करने जाएगा उसको मारना। मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित हिंदुस्तान टावर में लिटिल बर्ड्स प्ले स्कूल की हुई शुरुआत, जहां 10 मार्च से पहले आए हुए बच्चों को दी जा रही है एडमिशन में ऑफर। लिटिल बर्ड्स प्ले स्कूल में साइकोलॉजिकल मेथड से आपके बच्चों को दी जाएगी क्वालिटी एजुकेशन। साइंस के मुताबिक बच्चों का मानसिक विकास 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। इस उम्र में बच्चे किसी भी एक्टिविटीज को बहुत तेजी से सीखते हैं। ऐसे में इन बच्चों को एक ऐसा स्कूल की जरूरत होती है जो किसी बच्चे को साइकोलॉजी मेथड से पढ़ा सके। अब इन्हीं जरूरतों और समस्याओं को देखते हुए मानगो में लिटिल बर्ड्स प्ले स्कूल की शुरुआत की गई। स्कूल की डायरेक्टर सबीहा सलीम ने बताया कि इस स्कूल में अधिकतर टीचर चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट है, जो बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग एबिलिटीज पर ध्यान देंगी। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए मानगो क्षेत्र में एडवांस एजुकेशन की तलाश में है, तो एक बार लिटिल बर्ड्स प्ले स्कूल से संपर्क जरूर करें। पता हिंदुस्तान टावर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर।